हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एडवांस कंप्यूटिंग। आई एम सीमा दुबे। आज इस सेशन में NTU UGC नेट एग्जाम 2022 के लिए पेपर टू कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट में प्रोपोजिशनल लॉजिक का एक पार्ट वन लेके आई हूँ। इसमें थोड़े से आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि प्रोपोजिशनल लॉजिक होते क्या है, इसके कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। तो एक एक करके हर वीडियो में आपको कुछ सेशन स्मॉल कुछ सेशन जो लेके आऊंगी वो आपके थोड़े स्मॉल पार्ट में लेके आऊंगी। कुछ कनेक्टिव सभी यूज करूंगी, फिर जब ये पार्ट आपका एंड होगा तो उसमें आपका PYQ आपको लेके आऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगी। इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक का, ये बहुत ही स्कोरिंग का है, बहुत ही ज्यादा आता है आपके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक। जैसा स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं इसकी डेफिनेशन दी है कि एक्चुअली क्या है। प्रोपोजिशन इज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ लॉजिक। लॉजिक का जो अगर हमें लॉजिक यूज करना है प्रोपोजिशनल में तो हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, आइदर ट्रू होता है आइदर फॉल्स बट नॉट बोथ। या आपका ट्रू होगा, जो कि लॉजिक जो हम बाय डिफॉल्ट जो हम यूज करते हैं या तो वो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। तो ये प्रोपोजिशन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लॉजिक। इट इज डिफाइंड एज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ओके, तो जो भी आपकी ट्रुथ टेबल होगी प्रोपोजिशन की, ट्रू को डिनोटेड करेंगे हम टी से और जो ट्रू स्टेटमेंट रहेगा उसको डिनोट करेंगे हम टी से, और जो फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा उसको हम एफ से डिनोट करेंगे। जिस तरह बूलियन अलजेब्रा में हमारे सारे लॉजिक गेट्स रहते हैं, एंड और नॉट नॉर एंड, जिस तरह के लॉजिक गेट्स हम यूज करते हैं उनके लिए हम ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के लिए भी ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसमें एग्जांपल अगर हम सोचें कि क्या चीज है प्रोपोजिशनल लॉजिक है क्या, जैसे हमने ये एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना। तो ये सही है कि हमारा ईस्ट से निकलता है वेस्ट से आपको डूबता है सूर्य, है ना। तो वो उस हिसाब से 1+1=2, तो ये सही है कि एक और एक आपका 2 होता है इसका आंसर। तो ये आपके जो लॉजिक है ये सही ट्रू स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अब हमने कहा बी इज अ वोवल, है ना, तो वोवल तो नहीं होता है बी, AEIOU होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। अब मैंने कहा कि आपको इस सेशन में कुछ है, मतलब अभी जैसे मैं बहुत सारे लॉजिक कनेक्टर्स हैं आपका, जो भी कंजक्शन है डिस्जक्शन है, जो भी आपका बाय कंडीशनल है इम्प्लीकेशन है, जो भी आपके लॉजिक कनेक्टिव्स में बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक ही लॉजिक कनेक्टिव्स को लेके आई हूँ ताकि आप जो भी इसका मैं जितने भी वीडियो बनाऊं उसमें सारे आपके एक एक करके कनेक्टिव्स पढ़ेंगे, पर उनके एग्जांपल है कैसे अप्लाई करना उनको वो आपके एक एक वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज मैं लेके आई हूँ जो मोस्ट कॉमन लॉजिकल कनेक्टिव्स है नेगेशन, ठीक है। इफ पी इज अ प्रोपोजिशन देन द नेगेशन ऑफ पी इज डिनोटेड बाय, जो आपको ये सिंबल दिख रहा है इसको डिनोट किया जाता है, इट इज नेगेशन का सिंबल है नॉट पी, इट इज नॉट द केस दैट और सिंपली नॉट पी, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर जो मैंने स्मॉल वीडियो बनाया है इसका प्रोपोजिशनल लॉजिक का पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक करिए, जो भी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।